हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इनसाइड ऑल पे। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो सबसे पहले हमें इस कवर को रिमूव करना होता है। तो मैंने इसको रिमूव तो कर लिया है, लेकिन आपको बता देता हूँ कि हम बिना इसको ब्रेक किए कैसे आसानी से निकाल सकते हैं। आपने यहाँ पे कोई भी एल्कोहलिक सोल्यूशन या पेट्रोल लेके इस साइड पे लगाना है, इन लाइन्स के ऊपर, और थोड़ी देर से लगा रहने देना है। और बाद में आपने थोड़ा टैप करके इसे निकाल लेना, तो ये ऐसे आसानी से ही निकल आएगा। तो पहले आपको मैं इसका मॉडल बता देता हूँ। जो अडेप्टर है मेरा, ये HP के लैपटॉप का 90 वॉट का ये अडेप्टर है, और इसका मॉडल जो है PPP012DS। तो बाकी इसका जो पार्ट नंबर है, जो भी कॉन्फ़िगरेशन है, आप इस वीडियो में देख सकते हो। 19 वोल्ट का ये अडेप्टर है, 90 वाट इसकी टोटल आउटपुट है। तो ये रहा ये अडेप्टर की जो लीड है, इसको निकाल के मैं नई वाली अडेप्टर की लीड लगाऊंगा इसमें। तो अब हम इसी अडेप्टर की लीड को, नई अडेप्टर की लीड को लगाते हैं इसमें। इसके लिए आपने पॉजिटिव और नेगेटिव का खास करके ध्यान रखना है। व्हाइट वायर जो है वो पॉजिटिव और ब्लैक कलर की जो है नेगेटिव होती है। तो सेम ऐसे ही यहाँ पे है। इसमें तीन वायर है, लेकिन आपने दो ही लगानी है, ब्लैक को ब्लैक की जगह और व्हाइट को व्हाइट की जगह लगा देना है। तो चलिए पहले इसको निकालते हैं, पुरानी वाली वायर को, और फिर नई वाली वायर को इसमें लगाते हैं। तो मैं इसकी नई लीड को अब सोल्ड कर देता हूं यहाँ पे। जब आप यहाँ पे सोल्डरिंग करो, तो पॉजिटिव और नेगेटिव का बिल्कुल खास तौर पे ध्यान रखना, वरना आपका जो सर्किट है वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव का आपने बहुत ही ख्याल रखना है, इसमें गलती नहीं करनी इसमें पॉजिटिव नेगेटिव में, और इसकी सोल्डरिंग को अच्छे तरीके से कर दें। तो मैंने इसे स्प्लाई से कनेक्ट कर दिया है। तो अब हम इसकी आउटपुट में वोल्टेज को भी टेस्ट करते हैं और इनपुट की वोल्टेज को भी टेस्ट करते हैं। तो चलिए मल्टीमीटर को मैं पहले AC के ऊपर सेट कर लेता हूँ। AC वोल्टेज चेक कर लेते हैं पहले। तो AC वोल्टेज हमारे एक यहाँ पे है, ये देखिए 243। अब हम आउटपुट पे देखते हैं वोल्टेज हमारे कितने आ रहे हैं। ये देखिए 19.8 वोल्ट हमारे आउटपुट में आ रहे हैं। तो हमारा ये अडेप्टर जो है वो वर्किंग कर रहा है अभी। तो एक बार आपको मैं इसका जो पिन है उसको भी टेस्ट करवा देता हूँ कि हमारी पिन के ऊपर क्या वोल्टेज आ रही है। तो ये है हमारी अडेप्टर की पिन, जो मैंने रिप्लेस करके नई लगाई है इसमें। तो मल्टीमीटर की लीड इसमें अंदर नहीं लगेगी, इसलिए मैंने यहाँ पे एक स्क्रू ड्राइवर लगा दिया है। ये देखिए वोल्टेज हमारे 19.98 आ रहे हैं। तो ये जो हमारी प्रॉब्लम थी इसकी, वो बिल्कुल ओके हो गई है, और लीड भी नहीं मैंने इसमें लगा दी है। तो आप इसको अब ऐसे ही चेंज कर सकते हो। अगर आपने, आपके पास कोई अडेप्टर है पुराना किसी लैपटॉप का जिसकी वोल्टेज सेम है, तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हो अपने लीड के साथ, और आप उसको भी यूज कर सकते हो। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो कमेंट कर देना। तो आपको अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।